हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवी अंग्रेजी की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले ठीक है इसके बाद आपको दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें एक से लेकर चौबीस तक के जितने क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछे गए सिक्स इंग्लिश में उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा अभी तक वीडियो शेयर नहीं कर है तो शेयर करें चैनल पे जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कक्षा छठवी के आने वाले आपके रिजल्ट से संबंधित और भी आपको वीडियोस मिल सके ठीक है तो देख लेते हैं इसमें आपको कक्षा छठवीं अंग्रेजी में पहला प्रश्न क्या पूछा गया है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आते हैं तो यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्यरभ करना है सेक्शन ए है इसमें एक से लेकर पांच तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वो प्रश्न किससे पूछेगा आपको एक अध्यांश यानी कि एक पैसेज दिया गया है इस पैसेज से संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा ठीक है देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर द स्कूल टू गेट ओवर ऑल द चिल्ड्रन्स वर प्लेइंग अ बॉय नेम राजू ऑल्सो वेंट टू प्ले विथ बट नो वन प्लेड विथ हेम फेल्ट बेड अबाउट इट देखिये यहाँ पर एक बताया गया कि इस समय क्या था स्कूलों की छुट्टी स्कूल बंद हो गए थे लग थी घर पर तो यहाँ पर आ, सभी बच्चे खेल रहे थे लेकिन एक बॉय है जिसका नाम था राजू वो भी खेलना चाहता था लेकिन उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था इसलिए बुरा फील हो रहा था इन अ शॉर्ट वाइल्ड द बेल रैंक ऑल द चिल्ड्रन ट्वेंट होम थोड़ी देर बाद क्या हुआ जैसी बेल आ, बजी होगी तो सारे बच्चे घर चले गए ठीक है राजू ऑल्सो कम आ, केम होम राजू भी घर आ गया ही डिड नॉट फील लाइक डूंग एनी उसका कुछ करने का मन

कल तो तुम अपने दोस्तों से पूछना कि क्या वे तुम्हारे साथ खेल सकते हैं नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है राजू वेंट टू स्कूल एंड टोल्ड हिज फ्रेंड्स स्कूल टाइम ओवर हो गया तो उसकी बात है ठीक है तब ये घंटी बजती और बच्चे घर चले जाते हैं फिर राजू को फील होता है कि उसके साथ कोई खेलना नहीं चाह रहा है। तो उसके फ्रेंड से मम्मी बोलती कल पूछना तुम स्कूल जब लगेगा तो यहाँ से ठीक है ऐसी कहानी होती है तो यहाँ से राजू क्या करता है राजू जाता है उसके फ्रेंड से पूछता है आई आल्सो वॉन्ट टू प्ले विथ ऑल ऑफ यू कहता है मुझे आप सभी के साथ खेलना है और उसके फ्रेंड्स क्या कहते हैं हिज फ्रेंड्स एंड प्ले ग्राउंड उसके दोस्त लोग उसके हाथ पकते उसके साथ जाते हैं और सभी क्या करते हैं ही आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग विद देम ठीक है आ, तो राजू वाज वेरी हैप्पी दैट डे दे, ठीक है राजू उस दिन बहुत खिच था खुश था सभी लोग साथ में खेल लेते हैं ठीक है तो ऐसा आपको पूरा समझ में आ गया होगा इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विथ होम वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग ठीक है तो यहाँ पर किसके साथ जो है बच्चे आ, नहीं अः यहाँ पर खेल रहे थे तो वो थी डॉल ठीक है बाद में सभी टुगेदर में सभी ने खेले यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है द चिल्ड्रन वेंट होम ठीक है तो आफ्टर द स्कूल बेल रैंक जैसे ही स्कूल की घंटी बजी सभी बच्चे क्या चलेगा घर वापस चलेगा ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पर आपको मदर डे राजू आफ्टर लिसनिंग टू हिज प्रॉब्लम्स मदर ने उसे क्या दी एडवाइस दी कि बेटा जाओ तुम क्या करना कल अपने दोस्तों से पूछना तो यहाँ पर बी नंबर का उत्तर होगा एडवाइस चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर है राजूस फ्रेंड्स हेल्ड इज हैंड्स एंड टू कीम अलोंग टू प्ले विथ देम ठीक है यहाँ पर कहाँ लेके गए प्लेग्राउंड में लेके गए ताकि तो क्या करे दो सभी लोग साथ में खेल सके ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश था उस दिन जिस सभी के साथ खेला तो इसमें अंडरलाइन क्या किया हैप्पी यानी खुश तो सैड यानी क्या होता है उदास तो इसका हमें अपोजिट वर्ड पता करना था जो अंडरलाइन वर्ड किया गया तो सैड यानी इसका अपोजिट है का अपोजिट सैड ठीक है तो ये हो जाएगा उसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें हमें फिर से छह से लेकर दस तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें लेकिन फिर से एक आपको पैराग्राफ दिया गया देर वंस अ वेल्थी मर्चेंट एक मर्चेंट के बारे में बताया गया है ही एंड हिज वाइफ वर माइजस्ट ठीक है तो यहाँ पर बताया गया कैसे होता है तु, 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 कंजूस रहते हैं उनके घर में गेस्ट आता है और, और क्या कुछ कहानी होती है उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछेगा ठीक है तो चलिए हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट से कैसे आपको क्वेश्चन को हल करना है और जो बच्चे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है डब्ल्यू नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रही है उस लिंक पर जाकर क्लिक कर दीजिए यहां से आपको पूरे जो है पीडीएफ मिल जाएंगी क्लास सिक्स इंग्लिश के सॉल्यूशन के ठीक है जहां पर मैं आपको सोल्यूशन बता रही वो चलिए देख लेते तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है गूगल पर जाना है देखिए यहाँ गूगल पर आप जाएंगे और गूगल पर क्या सर्च करेंगे देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया गया है बोर्ड जानकारी वार्षिक पेपर 2022 आप यहाँ पर सर्च कर लो तो प्रकार से साइट ओपन हो जाएगी यहाँ से आप जाकर क्लिक कर कर पेपर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश के सोल्यूशन के ठीक है जहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बता रही वो चलिए देख लेते क्वेश्चन तो इसमें आपको लिख लेना है द मर्चेंट वॉस डैश यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा ठीक है तो इसमें यहाँ पर आंसर ये बी नंबर का गलत हो जाएगा इसमें आएगा अमाइजर ठीक है क्योंकि पहली लाइन में बताया गया द मर्चेंट एंड हिज वाइफ दोनों वा, दोनों क्या थे माइजर थे माइजर क्या होता है कंजूस थे ठीक है किसी भी चीज में कंजूसी करना तो माइजर आना चाहिए आंसर बी नंबर का आंसर जो है गलत है ठीक है सी नंबर लगाएंगे आप एकदम करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है वाई डिड द मर्चेंट्स वाइफ रन बिहाइंड हर हस्बैंड विथ अ स्टिक ठीक है तो यहां पर क्या हुआ था जैसे कोई गेस्ट आया था तो यहां पर उन्होंने एक तरकीब निकाली थी तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द वॉज दिस वॉज अ ट्रिक टू ड्राइव अवे द गेस्ट ठीक है यहां से मतलब भगाने का जो मेहमान आए थे उनको ताकि उन्हें कोई खर्चा पानी ना आए इसलिए उन्होंने ये ट्रिक अपनाई थी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट वॉट हैपेंड इन द दिग्निंग ऑफ द स्टोरी स्टोरी के शुरू में क्या होता है द गेस्ट कम ठीक है तो यहाँ पर गेस्ट क्या आते आ जाते हैं जल्दी उनके घर में क्योंकि कंजूस भी गेस्ट को इतना वो खाने पीने का अलाउड नहीं करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन है द वाइफ आल्सो रन आफ्टर हिम विथ ए स्टिक तो यहाँ पर इन दिस सेंटेंस विच वर्ड शोज एन एक्शन इसमें क्या है कौन सा एक एक्शन एक है मतलब एक क्रिया तरीके से हम समझ सकते हैं तो रहनी यानी दौड़ना भागना ये सारी क्या क्रिया ठीक है तो यहाँ पर एक्शन हमने इमीडिएटली लिया तो इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर दस इसी सेंटेंस का आखिरी गुड वी हैव ड्राइवर ऑफ द ट्रबल फॉर होम इज द वर्ड ट्रबल यूज ट्रबल किसके लिए यूज किया गया है द वाइफ के लिए यूज किया गया है ठीक है उसके बाद में आपका आ, नहीं यहाँ पर आपका द भी गलत हो जाएगा ठीक है ट्रबल यानी जो सेंटेंस है जो कहानी बताई गई उसमें मर्चेंट के बारे में बताया गया ठीक है तो जो ट्रबल में किसको मानते हैं ये ट्रबल उनके लिए गेस्ट लोग जो है ट्रबल है यानी कि, कि मुसीबत बोलते हैं ना मेहमान जो आते हैं मुसीबत कुछ लोग मुसीबत मानते हैं मेहमानों को तो बिल्कुल वही तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा एकदम करेक्ट उत्तर होगा तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी करेक्ट करके बता दिया ठीक है तो बहुत से बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं चलिए प्रश्न क्रमांक ग्यारह से देख लेते हैं बीस तक तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह से बीस तक के आपके सारे लॉन्ग आंसर्स हैं ठीक है इसको भी आपको ध्यान से देखना है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग्यारह है विच स्विंग विच थिंग्स कैन द चाइल्ड सी वाइल गोइंग अप द स्विंग मतलब जो बच्चा है वो झूले पर बैठता है तो वहाँ क्या क्या चीजें उसे दिखती है झूले पर से जब वो झूलता है उस बारे में बात हो रही है ठीक है तो उत्तर होगा रिवर्स ट्रीज कैटल एंड द कंट्री साइड कैन बी सीन वाइल्ड गोइंग अप द स्विंग जैसे झूले पे ऊपर से नीचे होते हैं ना बिल्कुल वैसे तो उससे क्या क्या नजर आता है नदी आती है पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे हमारे जो जिस क्षेत्र में रहता है जिस कंट्री में रहता है उस पूरे कंट्री के पूरे छोटे छोटे घरों से सब कुछ एरिया नजर आता है ठीक है तो ये उत्तर हो जाएगा आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर बारह है वॉट डिड द कॉबलर सी वेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह अगली मॉर्निंग पे जागता है मोची तो उसे क्या नजर आता है तो जोड़ो एक साइनिंग जो पेयर शूज का है वो उसे नजर आता है जनता जोड़े की जूती मतलब पूरा जो बना रहता है वैसा तो आंसर होगा द कॉबलर सॉफ्ट ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक है ये आप लिख सकते हैं आंसर ठीक है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेरह है वाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट इन द बुक शेल्फ बुक को रखने की जो जगह होती है उसको बुक शेल्फ पे कहते हैं तो आपका जो लेसन टैन है आई थिंक द बॉय उसमें अ काइंड बॉय है उसमें यहाँ पर ये कहानी बताई गई है तो वो बच्चा क्या करता है एक भिखारी आता उसको देते जाता है रोज रोज रोटी लेकिन कुछ दिन तक वो भिखारी नहीं आता तो बुक शेल्फ पर मैं जमा करता है कि जब भी आएगा तब उसे इकट्ठा दे दूंगा लेकिन कई दिन तक नहीं आता तो उसमें चिटियां लग जाती है और मम्मी ये नजर देख लेती है बच्चे की तो ये सब कुछ और बाद में उनका नाम भी आपको बताऊंगा बच्चे बहुत बड़े थे उसके बाद में आंसर आ जाएगा आपका द बैगर डिड नॉट टर्न अप फॉर सम डेज सो द बॉय कीप हिज शेयर ऑन द बुक शेल्फ ठीक है तो बहुत दिन तक नहीं आया था इसलिए यहाँ पर बुक शेल्फ में रखे गए थे इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बहुत सरल है इसमें आपको जो अंडरलाइन किए गए इनके कोष्टक में जो वर्ड है, तो तो है, है, तो है तो हो जाएगा सही उत्तर गो टू पार्क गो अंडरलाइन है तो गो यानी जाना कम यानी आना तो कम हो जाएगा इसका आंसर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पंद्रह तो आपका क्वेश्चन नंबर पंद्रह है विच गेम्स विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट राइट थ्री सेंटेंस अबाउट इट आपको कौन सा गेम पसंद है उसके बारे में तीन सेंटेंस लिखिए तो आप क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन हॉकी जो भी आपको पसंद हो चेस वगैरह तो उसमें आप लिख लीजिएगा ठीक है उसके बारे में तीन सेंटेंस तो हमने यहाँ पर क्रिकेट के बारे में लिखा आपको जो भी पसंद हो लिखिएगा तो आई लाइक क्रिकेट बिकॉज अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस इसको लिख लीजिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम ठीक है और दूसरा होगा आई नो ऑलमोस्ट ऑल द रूल्स ऑफ दिस गेम मतलब मुझे सारे रूल पता है इसलिए मुझे भी पसंद है और बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज दैट कीप्स मी हेल्थी तो ये हो जाएगा तीन पॉइंट तीन सेंटेंस ठीक है इसको सेंटेंस वाइज बनाकर भी आप लिख सकते हैं वन वन करके लिख लीजिए वन टू थ्री जैसा मैंने आपको बताया तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर सोलह हम देख लेते हैं रियर एंड द वर्ड्स टू मेक मीनिंग फुल सेंटेंस ठीक है आपको यहाँ पर क्या करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो जैसा पहला नंबर का है ओपन डोर्स तो आंसर मैंने इसके नीचे लिख दिया आपको अच्छे से द डोर्स आर ओपन राइट आंसर हो जाएगा द डोर्स आर ओपन उसके बाद दूसरा है फूड विल मदर कुक तो मदर विल कुक फूड मतलब माता जी खाना बनाएंगी वी वर प्लेइंग इन द पार्क ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका तीसरे का ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर नियर यानी पास में अंडर यानी अंदर या उसके आसपास बिहाइंड यानी पीछे ठीक है, है तो यहाँ पर हमें लिखना है तो हम सेंटेंस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा क्या है पेड़ के पीछे छिप रहा है यानी बिहाइंड तो बच्चे के लिए आ जाएगा ठीक है इसके अलावा जो यहाँ पर संत महाराज है या संत है तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं ये पेड़ के अंदर जो है पेड़ के पास बैठकर क्या कर रहा है

अगला सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर स्वीट यानी क्या होता है मिठाई यानी मीठा इसको कहते हैं तो हनी स्वीट यानी यहाँ पर हनी क्या के है सन द सन राइजेस इन द ईस्ट ठीक है यानी सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो यहाँ पर आपको लिख देना है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीस तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस में आपको क्या करना है राइट थ्री सेंटेंस अबाउट एनी वन पर्सन ऑफ योर चॉइस एंड राइट हिज हर नेम ऑल्सो आपको इन दो में से कोई एक पर्सन जैसे यहाँ पर डॉक्टर है और यहाँ पर पेंटर पेंटर के बारे में हम लिखेंगे तो उसमें आपको इनका नाम भी लिखना है और उनके बारे में थोड़े से वाक्य भी लिखना है तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आप बना देंगे द पेंटर नेम इज मोहन ठीक है तो इनका नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको लिखने के लिए कहा गया तो द पेंटर नेम इज मोहन आ जाएगा इस प्रकार से आपको लिख देना उसके बाद में इनके बारे में तीन सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ तो इट इज ऑल्सो द वर्ड यहाँ पर लिख देंगे पेंटिंग इज यूजिंग कलर्स टू मेक आर्ट मेनी काइंड ऑफ पेंट्स आर यूज टू क्रिएट आर्ट दे इंक्लूड वाटर कलर्स यहाँ पर बढ़िया सा एक पॉइंट बन जाएगा दे इंक्लूड वाटर कलर्स एक््रिल्सिक्स एंड ऑल्स अदर आर्टिस्ट लाइक वर्किंग विद पेंसिल और चॉक समटाइम्स चारकोल कैन बी यूज ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं राइट फोर लाइंस ऑफ द पोयम स्विंग आपकी जो बुक है पोयम में यहाँ पर दस स्विंग है झूले वाली पोयम उसमें आपको चार लाइन लिखना है तो आप पहले इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड आपको जो चार लाइने पसंद हो उसके बारे में लिख लीजिएगा उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इक्कीस से लेकर ले चौबीस तक तो इसमें आपको क्या दिख रहा है आपको आ, दो से तीन वाक्य में लिखना है तो राइट फाइव सेंटेंस अबाउट दैट यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर आपको इस पिक्चर में पांच सेंटेंस देखना है क्या तो क्या दिख रहा है और इससे संबंधित पांच वाक्य भी लिखना है तो देखिए आप चित्र को देखेंगे आपको इस चित्र में सब कुछ नजर आ रहा है बच्चे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ रस्सी कूद रहे हैं ठीक है, है? इसमें आपको बर्ड्स भी दिख रहे हैं एक बिक्ट्री दिख रहा है स्कूल दिख रहा है और चिल्ड्रन जो है अपने खेल को बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं तो इस पर हम सेंटेंस लिख लेते हैं तो यहाँ से पांच वाक्य आप बना सकते हैं आप अपने अनुसार बना सकते हैं दिस इज माई स्कूल चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड देयर इज अग ट्री एक बड़ा पेड़ है यहाँ पर द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई यहाँ पर जो पक्षी है स्काय में उड़ रहे हैं चिल्ड्रन आर इंजॉयंग देयर गेम्स जो बच्चे हैं अपने गेम्स को इन्जॉय कर रहे तो ये पांच सेंटेंस बढ़िया से आप लिख लेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर बाई से कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय थिंग्स द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट ठीक है लीव प्रिंसिपल स्कूल फेवर थ्री सिंसियरली इतने वर्ड्स आपको दिए गए इसको अच्छे से जमा के अरेंज कर दिए हमने तो आप फटाफट से इसको लिख सकते हैं जैसे टू द प्रिंसिपल रानी लक्ष्मीबाई स्कूल भोपाल ठीक है तो यहां से आपको लिख लेना है यहाँ पर क्या जाएगा प्रिंसिपल लीव और आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ठीक है तो यहाँ से आपको अरेंज कर लेना है लीव आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ फेवर सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल यहाँ पर आ जाएगा देखिए यहाँ प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ये अपलीकेशन लीव यानी छुट्टी की लिख रही है डियर सर मैडम आई एम सफरिंग मुझे बुखार है तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा सो ग्रांट मी थ्री डेज लीव फ्रॉम मुझे तीन दिन की छुट्टी देने की कर कृपा करें चार से लेकर छः तक की ठीक है ये हो जाएगा इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा यूर सिंसियरली आपको इतना लिख देना है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर तेवीस है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इस टेबल में जैसे कि क्या दिए गए देयर इज लाइब्रेरी देर देर आर फोर टीचर्स ठीक है ऐसे बनाना है आपको देयर आर फाइव क्लास रूम देयर इज अ गार्डन देर इज बिग प्ले ग्राउंड और देर देयर आर इन माई स्कूल तो ये सारी चीजें आपको जमाते रहना ठीक है चलिए देख लेते आंसर भी तो यहाँ पर आप पांच वाक्य में इस प्रकार से बना लेंगे ठीक है देर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल देर आर फोर टीचर्स इन माई स्कूल देर आर फाइव क्लास रूम इन माई स्कूल देर आर गार्डन इन माई स्कूल देर इज अ बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल ठीक है ये भी लिख दीजिएगा सभी में आपको इन माई स्कूल अरेंज करना है तो ये हो जाएगी आपके पूरे सेंटेंस अब क्वेश्चन नंबर चौबीस में क्या करना है आपको बहुत इजी है इसमें क्वेश्चन नंबर चौबीस में कुछ नहीं आपको जैसे कि एक एग्जांपल दिया है मिसेस मैरी का ठीक है तो मिसेस मैरी सी क्लोथ्स सामने सबको आपको ये नाम जो है उनको लिखना है जैसे मिसेस यहाँ पर बीना है तो मिसेस बीना के बाद में लिख देना मेक पॉट्स ठीक है और यहाँ पर पुलिस स्टॉप लगा देना फिर मिसेस रीता है तो यहाँ पर मिसेस रीता क्या बताया गया है मिसेस रीता के बारे में सिंग सॉन्ग तो मिसेस रीता के बाद में लिख लेना सिंग सॉन्ग फिर यहाँ पर क्या बताया गया है मिस्टर पवन तो मिस्टर पवन क्या करता है ड्रॉस पिक्चर तो मिस्टर पवन लिख देंगे और इसके बाद में ड्रॉस पिक्चर लिख देंगे ठीक है तो बहुत सरल है इसमें आपको पांच सेंटेंस बनाना है आसानी से आप बना सकते हैं तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा छठवी अंग्रेजी का एक से लेकर चौबीस तक का कंप्लीट सोल्यूशन देखा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर जितने बच्चे नए सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आने वाली वीडियो आपको कक्षा छठवी संबंधित सभी प्रकार की मिल सके तो मिलते हैं नए वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग